आज हम बना रहे हैं ब्रेड से बहुत ही टेस्टी ब्रेड मिल्क केक। इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए यहाँ पर मैंने चार ब्रेड लिए हैं। अब ग्राइंडिंग जार में डालकर ब्रेड को इस तरह से तोड़कर इनका हमें अच्छा सा पाउडर बनाना है। और यहाँ पर मैंने 4 चम्मच भुनी हुई मूंगफली ली है। तो इस तरह से देखिए, इसको मैंने अच्छा बारीक सा पीस लिया है, ब्रेड और मूंगफली। तो हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे। यहाँ पर हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हम ब्रेड और मूंगफली का जो पाउडर बना है उसको डालकर इसको हमें मीडियम आंच पर अच्छे से इसको हमें सेंक लेना है। इसको हमें भूनना है जब तक यह एकदम इसका थोड़ी कलर चेंज ना हो जाए, यह सुनहरा सा ना दिखने लगे। इसको हम लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर अच्छे से भूनते रहेंगे। इसको हमें छोड़ना नहीं है क्योंकि यह ब्रेड है, यह जल जाते हैं। तो लीजिए, यह भूंज कर रेडी हो चुका है। इसको भूनने में 2 या 3 मिनट का ही समय लगा है। बहुत ही अच्छा यह हल्का सा हो चुका है। भूनने के बाद जो ब्रेड होते हैं वो एकदम हल्के हो जाते हैं क्योंकि जो मॉइस्चराइज़र होता है उसे सारा सूख जाता है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड ली है तो 4 चम्मच चीनी ली है। 2 चम्मच इसमें हम पानी डालेंगे क्योंकि अब चीनी को हमें कैरमलाइज करना है, जिससे हमारी जो ब्रेड मिल्क केक होगी बहुत ही टेस्टी और इसका जो कलर आएगा बहुत ही अच्छा आता है और यह खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर हम चीनी को मेल्ट करेंगे। तो देखिए, यह चीनी है जो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, कैरमलाइज हो रही है। तो इसको हम ज़्यादा नहीं करना है, बस हम इस स्टेज पर यहाँ पर हम दूध डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने मलाई वाला फुल फैट दूध लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर सिर्फ मलाई का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दूध में मलाई पड़ती है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मलाई और दूध दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के डाल दिया है। तो बस इसको हमें 5 मिनट तक पका लें। इसको हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो बस हमारी जो चाशनी है कैरमलाइज वाली बनकर रेडी हो चुकी है। तो हम गैस की फ्लेम एकदम मीडियम रखेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा ब्रेड और जो मूंगफली का पाउडर उसको हम डालते जाएंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल बहुत कम किया है। शुरुआत में ही मैंने यहाँ पर आधी चम्मच जो घी डाला था क्योंकि इसमें जो मैंने मूंगफली डाली है तो मूंगफली का जो अपना मॉइस्चराइज़र होता है और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मूंगफली का, इससे जो मिल्क केक बनती है उसमें बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होती है और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर भी आता है मूंगफली का। तो लीजिए, अच्छे से इकट्ठा सा होने लगा है। इसमें कोई घी नहीं मैंने अभी डाला है। यह जमने के लिए एकदम रेडी है क्योंकि इसने जो कढ़ाई है वो छोड़ना शुरू कर दिया है, यह इकट्ठा होने लगा है। तो बस इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे। तो अब इसको हमें सेट करना है। तो इस तरह से कोई भी आप टिफ़िन बॉक्स या इस तरह का कोई भी आप डिब्बे ले सकते हैं उसमें, जिसको हमें सेट करना है। तो इस तरह से इसको मैं सेट कर देती हूँ, इससे इसको निकालने में आसानी होगी। तो अब यहाँ पर हम थोड़े से काजू डाल देते हैं। अब हमें इसको फ्रिज में रखना है लगभग 30 मिनट के लिए। तो 30 मिनट बाद देखिए, ये अच्छे से सेट हो गई है। तो इस तरह से इसको हम पलट देंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल आता है। तो आप लोगों ने देखा, ब्रेड का जो मिल्क केक है वो बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरह से इसके मैं पीसेस कर देती हूँ लंबे साइज में। बहुत ही मज़ेदार हमारी मिल्क केक बनी है 4 ब्रेड से। यदि आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो आप ज़्यादा ब्रेड का इस्तेमाल करें। तो लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मिल्क केक बनकर तैयार हो चुकी है कम सामान में। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।